हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है 6 तारीख का, यानी होली का पूजन से एक दिन पहले का। और अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30। तो डिनर वगैरह सब हमारा हो गया है। सबको डिनर कराने के बाद, किचन क्लीन करने के और बर्तन वगैरह सब धुलने के बाद, थोड़ी देर जो है मैं बैठी थी, अपनी मेडिसिन वगैरह खाई, उसके बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ फिर से किचन में। आप देख कर समझ गए होंगे मैं बना रही हूँ गुजिया। तो अभी और बाबू जो है अपने पापा के साथ बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और इतनी देर में मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी तैयारी। तो आज जल्दी ही मैंने खाना पीना सब जो है कर लिया था, क्योंकि कल मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज मैंने काम थोड़ा जल्दी ही निपटा के और मैं 9:30 बजे के करीब लग गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले खोया, और मैं बना रही हूँ इंस्टेंट खोया, जो कि मैं बना रही हूँ मिल्क पाउडर से। जैसा कि आप सभी ने देखा, तो मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया था और उसमें 1 कप जो है मिल्क ले लिया था फुल क्रीम, वही डालकर मैं इसको अच्छे से जो है चलाते हुए पका लूँगी। चलाते रहेंगे कि नीचे लग ना जाए। और साथ में 1-2 चम्मच के करीब मैंने घी डाल लिया है, जिससे कि ये चिपके ना, क्योंकि एल्यूमिनियम की कढ़ाई है। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो एक बार को आप स्किप कर सकते हैं, बट इसमें जो है डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर चलाने के बाद, और ये इस तरह से गाढ़ा हो गया था, और मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे थे, और 15 मिनट में हमारा ये मिल्क पाउडर का खोया बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने इसी वजह से जो है घड़ी देखी थी कि आपको जो है फिक्स सही सही टाइम बता सकूं कि कितनी मिनट में हमारा ये खोया तैयार हो गया था। तो 15 मिनट में हमारा खोया बनकर हो गया था रेडी। तो वो मैंने रख दिया है एक साइड ठंडा होने के लिए। अब दूसरी साइड मैंने फिर से कढ़ाई रख ली है, और इसमें मैं डाल लूँगी 2 चम्मच के करीब शुद्ध देसी घी। इसमें हम करेंगे अपने ये जो ड्राई फ्रूट हैं, इन्हें हल्का हल्का रोस्ट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है बादाम, काजू, किशमिश, साथ में लिया है नारियल का बुरादा जो मैंने घर पर ही ग्रेट किया है, और चिरौंजी। तो ये सारी चीज़ें हम ली हैं गुजिया में डालने के लिए, और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है बादाम, इसको हम चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो सारी चीज़ें हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि सबका जो है जो रोस्ट होने का टाइम होता है वो अलग होता है। तो सबको अलग अलग मैं यहाँ फ्राई कर लूँगी। काजू मैंने फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद अब मैंने डाल दी है किशमिश। तो किशमिश को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई करना नहीं है, वरना इनका जो है टेस्ट ख़राब हो जाता है। हल्का हल्का फ्राई करना है, जिससे कि इनमें जो है क्रंचीपन आ जाए, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने गरी का बुरादा था वो भी हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने डाल दी है सूजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सूजी वैसे तो मेरी हमेशा रोस्ट की हुई रखी रहती है, बट फिर भी मैंने चिकनी कढ़ाई थी तो उसी में डालकर थोड़ी देर के लिए चला दी थी। और उसके बाद अब हम कर लेते हैं अपना यहाँ जो डो होता है गुजिया का, वो रेडी। सारी चीज़ें हमने तैयार कर कर रख दी हैं, अब डो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने ले ली है मैदा, और उसमें डाल लिया है शुद्ध देसी घी। फ्राई में रिफाइंड ऑयल में करूँगी, बट मोयन में मैंने घी यूज़ किया है। इससे जो है जो गुजिया की जो पूड़ी होती है, ऊपर की लेयर होती है, वो काफ़ी अच्छी खस्ता बनती है। तो बस मैं पहले जो घी डाला है उसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और घी मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने थोड़ा और ले लिया था। और उसके बाद पानी लेकर मैं इसको अच्छे से डो बना लूँगी। तो घी डालने के बाद पहले हमें घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में, और देखना है कि मुट्ठी बन रही है या नहीं। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ, हमारा मोयन जो है काफ़ी सही क्वांटिटी में डला है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने एक टाइट सा डो बना लिया है, जैसे हम रोटी का बनाते हैं उससे थोड़ा हमें टाइट ही रखना है। और उसके बाद मैंने ले लिया था चॉपर, और चॉपर में सारे ड्राई फ्रूट मैंने डाल लिए हैं, काजू, बादाम और किशमिश। उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, और उसके बाद यहाँ मैंने उन्हें रख दिया है साइड में। और मैंने ले लिया है खोया। तो खोया भी जो है हल्का सा गर्म था, तो मैंने और चीज़ें तो डाल ली थी, ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं, साथ में सूजी भी डाल दी है, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए उसमें। बट अभी जो शुगर पाउडर था वो मैंने नहीं डाला है, क्योंकि खोया गर्म था तो फिर जो है वो मेल्ट हो जाता। थोड़ी देर बाद खोया ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर जो शुगर पाउडर यानी बूरा था वो भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर पाउडर या चीनी जो भी आप डाल रहे हैं बूरा वो यूज़ करें। तो मैंने जो है अपने हिसाब से जो मीठा होता है वो कर लिया था। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट में आपको एक गुजिया दिखाई दे रही होगी। तो असल में मैंने गुजिया बनानी स्टार्ट कर दी थी, तभी जो है एकदम से अभी आ गया था किचन में, क्योंकि अभी को खिलाते खिलाते जो है अभी के पापा भी सो गए और बाबू भी सो गई थी, बट अभी नहीं सोया था, वो बेड से उतर कर यहाँ आ गया था। तो जो है यहाँ पर सब चीज़ें गर्म रखी थी, तो मुझे डर लग रहा था, तो फिर मैंने गुजिया बनाना बंद कर दिया था। एक गुजिया ही मैं बना पाई थी, फिर मैं चली गई थी सब गैस वगैरह बंद कर कर अभी को
सुलाने के लिए, और 10-15 मिनट उसको लगे सुलाने में। और उसको सुलाने के बाद अब मैं फिर से आ गई थी किचन में और फिर मैं लग गई थी अपना गुजिया बनाने में। तो अभी की वजह से थोड़ा सा जो है मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, और इसी वजह से ये सारे काम मैं नाइट में करती हूँ कि नाइट में वो सो जाता है तो मैं आराम से फिर लगी रहती हूँ। अगर दिन में करने बैठो तो बीच में बार बार आएगा, बार बार परेशान करेगा, और दिन में जो है हस्बैंड भी रहते नहीं हैं, बाबू भी जो है इतना नहीं संभाल पाती है, तो फिर जो है मुझे ही देखना होता है। तो इस वजह से नाइट का टाइम होता है तो सबको सुलाने के बाद मैं आराम से लगी रहती हूँ। तो बस सभी लोग सो गए थे, अभी भी सो गया था, तो फिर मैं आराम से अपना लगी रही थी और अपना जो गुजिया थी वो मैंने आराम से अपना बना ली थी। कोई भी बीच में जो है डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। खुद की नींद तो जो है ख़राब होती ही है, बट अब परिवार के लिए कुछ करना है तो इतना तो चलता है। तो बस आराम से रात में जो है ये काम हो जाता है, कोई भी जो है बीच में डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो बस धीरे धीरे यहाँ पर जो गुजियाँ थी वो मैं बना रही थी। 4-5 पहले पूड़ी बेल लेती थी, फिर उनको भर लेती थी, फिर उनको फ्राई कर लेती थी। तो लो फ्लेम पर फ्राई होती हैं, जब तक वो वाली फ्राई होती थी तब तक मैं 4-5 गुजियाँ और भर लेती थी, क्योंकि मैं ही अकेली बनाने वाली थी, मैं ही भरने वाली, मैं ही सेकने वाली। तो फिर मैं ऐसे ही कर रही थी, तो तीन चार भर लेती थी, उन्हें फ्राई करती थी, और जब तक वो फ्राई होती थी तब तक मैं फिर भर लेती थी। तो यही क्रम मेरा चल रहा था। तो आप देख सकते हैं गुजियाँ जो है मेरी ऑलमोस्ट बन ही गई थी, सारी मैंने ये निकाल ली हैं। तो मेरी जो है 22 से 25 गुजियाँ आराम से बन गई थी, और देखने में इतना ऐसा लग रहा था कितनी सारी बन जाएंगी, बट इतनी ही बनी थी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि जो सूजी होती है वो कम डालना। आपने देखा था खोया मेरा काफ़ी था, बट सूजी मैंने कम डाली थी, तो जो मिक्सचर होता है वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हस्बैंड को जो है जो खोया होता है उसी की गुजियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने सूजी कम डाली थी। तो यहाँ पर सारी गुजियाँ मेरी बन गई थी, और उसके बाद अभी सब मैं समेट देती हूँ। बर्तन धुलने की हिम्मत तो है नहीं, बस किचन क्लीन कर दूँगी और बर्तन मैं सुबह ही धुलूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब है नेक्स्ट डे, और जो होलिका दहन होती है वो आज ही होनी है। तो आप सभी को हैप्पी होली मेरी ओर से, आपको एंड आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नाइट में जो है गुजिया वगैरह बनाने के बाद जो है मेरा फोन एकदम से डिस्चार्ज हो गया था, तो फिर मैं आपके साथ जो है कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे वीडियो बनाते बनाते, और पहले भी मैं मोबाइल चार्ज नहीं कर पाई थी, तो फिर जो है वो बंद हो गया था, और मैं भी इतनी थक गई थी कि फिर उसको चार्ज करती फिर ऑन करती, तो फिर इतना जो है मेरे में भी नहीं था, तो फिर मैंने जो है कुछ भी शूट नहीं किया। तो अब शेयर कर रही हूँ। तो जो गुजियाँ मैंने बनाई थी ये आप देख सकते हैं रखी हुई हैं, कुछ लगभग जो है 20 से 25 गुजियाँ बन गई थी इतने में, इतना तामझाम करने के बाद। सच में बहुत ही जो है टाइम कंज्यूमिंग का काम होता है ये। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह की जो है गुजियाँ बनी हैं, और फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाई हैं, जैसा कि आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है कि फर्स्ट टाइम मैंने गुजियाँ बनाई हैं, क्योंकि हमेशा मेरी होली जो है मायके में ससुराल में ही मिलती थी, और हाँ गुजियाँ बनाने के बाद जो है थोड़ी सी मैदा बच गई थी, तो उसकी सुबह मैंने ये पापड़ी बना दी है। देख सकते हैं कितनी एकदम जो है क्रिस्पी बनी है। तो थोड़ी सी मैदा बच गई थी, तो नाइट में तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि नाइट में बनाती, तो फिर मैंने ये सुबह बना दी थी उसको अच्छे से, फिर से आटे को ठीक करने के बाद, और कढ़ाई रखी हुई थी उसी में मैंने फ्राई कर दी थी। और अब जो है सुबह के जो भी काम थे सब हो गए हैं, नहाना धोना भी हो गया, बच्चों को भी नहला दिया था, मैं भी नहा धोकर फ्री हो गई हूँ। हस्बैंड गए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, और खाना पीना भी अभी कुछ नहीं बना है, तो हस्बैंड आ जाएंगे तब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर ये आलू बॉईल कर रखे हुए हैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को खानी है पापड़ी चाट, तो चाट का सारा सामान रखा हुआ है, बस आलू नहीं थे तो वो मैंने जो है बॉईल कर लिए हैं। जैसे ही हस्बैंड आ जाएंगे सबसे पहले खिलाऊंगी उनको चाट, फिर बनाऊंगी अपना जो भी खाना पीना बनने वाला है वो, देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ पर अभी नहाकर सो गया है, बाबू बैठी हुई है अपना टीवी देख रही है, और अब जो है टाइम हो रहा है सुबह के 11, तो बस हस्बैंड के आने का वेट करते हैं, फिर बनाएंगे अपना खाना पीना जो भी बनेगा। और इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। तो आशा करूँगी ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, उससे पहले एक बार आप सभी को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी होली।